हेलो फ्रेंड्स, आर यू वॉचिंग इंग्लिश विद जीनत। मैं हूँ जीनत। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ हिंदी पाराखड़ी इंग्लिश में। व्यंजन कॉन्सोनेंट इस वॉवल और उस का खागा की वीडियो मैंने पहले ही करा दी थी। आज मैं गा और घा की वीडियो लाई हूँ। गा को इंग्लिश में कहते हैं जी। गा और आकरंडे को लगने को इंग्लिश में कहते हैं जी और ए। गा घी को इंग्लिश में कहते हैं जी और आई। घी ये छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा। घी को इंग्लिश में कहते हैं जी डबल ई। घी गू गा पे छोटे ऊ की मात्रा, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं जी यू। गू बड़े ऊ की मात्रा, इसे कहते हैं इंग्लिश में जी डबल ओ। गू गे पे छोटे ए की मात्रा, इंग्लिश में इसे कहते हैं जी और ई। गे पे दो मात्रा को कहते हैं जी इंग्लिश में जी ए आई। गे गो जी पे ओ की मात्रा को कहते हैं गा गो को जी और ओ। गो गाओ गो पे दो वाले ओ की मात्रा को कहते हैं इंग्लिश में जी ए यू। गाओ गम जी पे गा पे बिंदी को कहते हैं गम। जी ए एम और जी ए एन, इसे गम भी कहते हैं और गैन भी कहते हैं। घा को इंग्लिश में कहते हैं जी और एच घा। और बड़े घा को कहते हैं जी और एच इंग्लिश में घा। घा घी को इंग्लिश में कहते हैं जी एच डबल ए घी। ये बड़े की मात्रा है घी पे। घू को इंग्लिश में कहते हैं जी एच यू। घू पे छोटे ऊ की मात्रा है, हिंदी में इसे घू और इंग्लिश में इसे जी एच डबल ओ। घू घे छोटे की मात्रा है घे पे, हिंदी में इसे घे और इंग्लिश में इसे कैसे लिखते हैं जी एच ई घे। घई घे पे दो मात्रा होगी एक ही, तो ये घे और इंग्लिश में इसे घे कहते हैं जी एच ए आई। घो को इंग्लिश में कहते हैं जी एच ओ। घो घो घाओ घा पे डबल ओ की मात्रा घाओ, इंग्लिश में इसे कहते हैं जी एच ए यू। घाओ घाम को इंग्लिश में कहते हैं जी एच एम भी कहते हैं इसे घाम को और जी एच ए एन भी कहते हैं घाम और घैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दिखाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।